अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एसटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब जब भी आप दोस्तों फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम के साथ लिंक करते हैं या इंस्टाग्राम को फेसबुक अकाउंट के साथ लिंक करते हैं, तो दोस्तों जब भी दोनों में से एक डिसेबल होता है तो दोनों साथ ही डिसेबल हो जाते हैं, या फेसबुक अकाउंट डिसेबल होगा तो इंस्टाग्राम डिसेबल होगा साथ में, अगर इंस्टाग्राम डिसेबल होगा तो फेसबुक अकाउंट भी साथ में डिसेबल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक हो गए हैं। दोस्तों जब आपका डिसेबल हो जाए या फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो जाए या इंस्टाग्राम डिसेबल, दोनों ही डिसेबल होंगे दोस्तों, तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम की ऑफिशियल टीम के साथ कैसे कांटेक्ट करना है और फेसबुक टीम के साथ आप लोगों ने कैसे कांटेक्ट करना है, तो वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, और अकाउंट को कैसे रिकवर करना है तो वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहले मैं अकाउंट इंस्टाग्राम के अंदर लॉगिन करूंगा, उसके बाद फिर फेसबुक अकाउंट पे चेक करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक करते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने एंटर कर दिए, ये वही यूज़र नेम और पासवर्ड है दोस्तों जो अकाउंट डिसेबल हो चुका है दोस्तों विदाउट मिस्टेक। यू आप देख सकते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल फॉर वायलेटिंग आवर टर्म्स। अब दोस्तों कंटिन्यू विद द फेसबुक पे क्लिक करेंगे। अब मैं आप लोगों को इसी अकाउंट को फेसबुक के अंदर लॉगिन करके दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये आपस में दोनों लिंक है दोस्तों, आपका फेसबुक अकाउंट भी इंस्टाग्राम के साथ लिंक होगा। तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड मैंने एंटर कर दिए दोस्तों। लॉगिन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये अकाउंट भी डिसेबल हो गया। यू कैन नॉट यूज़ फेसबुक बिकॉज यूर लिंक इंस्टाग्राम वॉज डिसेबल, यानी फेसबुक भी डिसेबल होकर और इंस्टाग्राम भी डिसेबल हो गया। तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने ब्राउज़र को ओपन करना है, किसी भी ब्राउज़र को, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक आप लोगों ने पेस्ट कर देना है दोस्तों। आईडी लॉगिन करके आप लोगों ने ये लिंक पेस्ट करना है, अदरवाइज़ ये लिंक काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने फुल नेम एंटर करना है, जो फेसबुक अकाउंट में दोस्तों, यहाँ पे इंस्टाग्राम की बात नहीं हो रही, सबसे पहले आप लोगों ने जो फेसबुक अकाउंट डिसेबल हुआ है उसको रिकवर करना है, और उसके बाद इंस्टाग्राम के लिए हम अपील सेंड करेंगे इंस्टाग्राम की टीम को दोस्तों। तो फुल नेम मैंने इंटर कर दिया है, कंट्री भी सिलेक्ट कर दिए दोस्तों। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, या अगर आपका फेसबुक अकाउंट फ़ोन नंबर पे तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर भी इंटर कर सकते हैं। नीचे आप लोगों ने आई एग्री के ऊपर टिक कर देना है और सेंड कर देना है इस मैसेज को फेसबुक टीम को। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेंड करेंगे, यहाँ पे आप लोगों से एक कैप्चा आ जाएगा, उस कैप्चा को आप लोगों ने फिल करना है जल्दी से। तो यहाँ पे मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ आप लोगों के सामने दोस्तों, वो और सबमिट के ऊपर आप लोगों ने सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों की रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी फेसबुक टीम को। तो ये मेरा मैसेज फॉरवर्ड हो गया फेसबुक टीम को दोस्तों। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब इंस्टाग्राम की बारी आ गई दोस्तों। इंस्टाग्राम के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इंस्टाग्राम का कोई हेल्पफुल ईमेल नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इंस्टाग्राम की टीम को मैसेज करने के लिए अपील सेंड करनी पड़ेगी, वो भी जीमेल अकाउंट से, सही है दोस्तों। और उस जीमेल अकाउंट से आप लोगों ने अपील सेंड करनी है जिस जीमेल पे आप लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट बना है। अगर आपका फ़ोन नंबर पे है तो आप किसी भी जीमेल से मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम की टीम को, सही है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है instagram@support.facebook.com। सही है दोस्तों, और यहाँ पे आप लोगों ने दोबारा लिखना है disable@support.facebook.com। ये अपील दोस्तों फेसबुक टीम को भी सेंड होगी और साथ में इंस्टाग्राम की टीम को भी सेंड होगी, ये दोनों आपस में लिंक है, तो इसलिए ये एक ही अपील आप लोगों ने सेंड करनी होगी। यहाँ पे आप लोग लिखने हैं appeal@support.facebook.com। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने सब्जेक्ट में लिखना है, लिंक इंस्टाग्राम अकाउंट या लिंक्ड फेसबुक अकाउंट विद इंस्टाग्राम, सही है दोस्तों। एक ही बात है दोस्तों, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम को फेसबुक अकाउंट के साथ लिंक किया या फेसबुक को इंस्टाग्राम के साथ, एक ही बात है दोस्तों,
उसके बाद आप लोगों ने अपील लिख देनी है दोस्तों, और लास्ट में आप लोगों ने लिखना है सर प्लीज़ सॉल्व माय प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। लास्ट अपील मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में आप लोगों ने थैंक्स फेसबुक टीम या और थैंक्स इंस्टाग्राम टीम ये भी आप लिख सकते हैं, तो लिंक है तो इसलिए मैंने थैंक्स फेसबुक टीम लिख दी है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों ने फुल नेम एंटर करना है जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे है, और यहाँ पे आप लोगों ने ईमेल एंटर करना है, अगर फ़ोन नंबर पे है तो फ़ोन नंबर एंटर करें, ईमेल पे है ईमेल पे एंटर करें दोस्तों। और यहाँ पे आप लोगों ने इंस्टा का यूज़र नेम एंटर करना है, तो इंस्टा का यूज़र नेम भी मैंने एंटर कर दिया दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये आप लोगों ने लास्ट में ज़रूर एंटर करना है, अपील लिख के आप लोगों ने लास्ट में इसको फिल कर देना। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या सेलेक्ट करना है, प्रूफ सेलेक्ट करना है। प्रूफ में से मुराद दोस्तों आपका नेम आपके आईडी कार्ड के साथ मैच होना चाहिए, आपका फेसबुक अकाउंट का नेम और आपके इंस्टाग्राम का नेम मैच होना लाजमी है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों ने इस अपील को फॉरवर्ड कर देना है फेसबुक टीम को और इंस्टाग्राम की टीम को। अब देखते हैं दोस्तों कि अपील फॉरवर्ड हो गए कि नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, अपील फॉरवर्ड हो गए। उसके बाद आप लोगों ने वेट करना है दोस्तों, 24 घंटे आप लोगों ने वेट करना है। 24 घंटे के बाद आप लोगों को इसी जीमेल पे रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद आप लोगों ने अकाउंट को लॉगिन कर देना। वीडियो को लाइक करें।